पानी ना हो तो केवल आदमी नहीं, पेड़ जिंदा नहीं रहेगा, पशु जिंदा नहीं रहेंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे, और ये जमीन भी जिंदा नहीं रहेगी जिस पर हम रहते हैं। जमीन को भी पानी चाहिए, ये मैं गलत कह रहा हूं? हम क्या करते हैं, अब ये चीज बताओ, दूसरी बात, पानी बनाया जा सकता है, कोई इसकी फैक्ट्री है H2O, यही तो है फार्मूला, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के मिला दो, H2O, पानी की कोई फैक्ट्री है? तो पानी बचाया बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। पानी रहता कहाँ, जैसे हमारा घर है, ये है पानी का घर, क्या कोई बताएगा पानी कहाँ रहता है? क्या बोलो, ग्लेशियर, और गुड, और बताए कोई, जैसे मुझे लग रहा है कि अर्बन वाले बच्चे हैं, अंडरग्राउंड, ठीक है, और सी लेक ओशन, और तू लड़की बता, तू कहाँ, क्लाउड्स में, चलिए, और पॉन्ड्स, बेल्स, वेरी गुड, रिवर्स। तो जैसे हमारा घर होता है उसे पानी का घर होता है, वो कहाँ रहता है, कुआं, जिसको वो बेल कह रही है अंग्रेजी में, पॉन्ड्स, तालाब, रिवर, लेक, क्लाउड, सॉइल, पानी का भी घर होता है। हम पानी बिना जिंदा नहीं रह सकते, हमने किया किया तालाब था और वहां पे कब्जा किया, उसके घर, उसको उसके घर से निकाल दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, पानी को उसके घर से निकाल दिया, उसके साथ अत्याचार किया, तो पानी हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, चला गया नहीं चला गया, चला गया, और पानी नहीं रहेगा तो कोई नहीं बचेगा, ना पेड़ पौधे प्रजाति, नंदी सर्वाइव। तो पानी को जितना एक साल में आप पानी यूज करते हो उतना पानी आपको बचाना चाहिए, कब, रेनी सीजन में फ्री वाटर मिलता, कहाँ, तालाब खोल के, रेन हार, अभी मैं आपके कैंपस को देख रहा था, यहाँ जितना पानी यूज होता है उतना पानी कैंपस का रेन हार्वेस्टिंग वाटर यही बाहर है, गड्ढा खोदे हैं, बाहर से आपको नहीं दिख रहा, वो पानी अंदर धरती में जाता है और सॉइल में पानी रहता, फिर आप निकाल लो ट्यूबवेल लगा के। तो पानी बचाना चाहिए सबको कि नहीं बचाना चाहिए, है? बचाते हैं आप लोग, एक बाल्टी में नहाना है तो चार बाल्टी नहाते हैं, अगर ब्रश एक मग्गा में होना तो चार बजे खोल दिया टोटी, अपना ब्रश किए गए वो टोटी गिर रहा है, मत करो, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, पानी बचाओ अभियान चलाना है, ठीक है। ये जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अभी 22 तारीख को अर्थ डे था, इसमें अर्थ इज बहुत कुछ, लेकिन मैं उसको बड़ी सिंपल भाषा में, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मैं बात तो मेरे करने को बहुत है, अर्थ इज मेड ऑफ जल जंगल जमीन, क्या जल जंगल जमीन से अर्थ बना है, बहुत सिंपल बात, हम लोग अंग्रेजी इतना मोटा होता कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड बात करते हैं, आई टॉक ऑलवेज वेरी सिंपल, जल पानी पे बात किया, जंगल माने पेड़ पौधा माने जंगल, और जमीन जिस पर हम ये हैं, इन तीनों से ये पृथ्वी बनी है, यही तीनों हमारे जीने के मूल आधार, अगर ये तीनों में से एक भी बर्बाद हुआ तो हम बर्बाद होंगे या आबाद होंगे, बर्बाद होंगे, हम बर्बाद होंगे नहीं, हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहा, इन तीनों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, प्लास्टिक, पढ़िएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारे खून में आ गया है, अगर आप जाकर टेस्ट कराओ प्लास्टिक का, तो माइक्रो प्लास्टिक आपके खून में है कि नहीं है, ये पता नहीं पता, रोज रिसर्च पेपर पढ़ो एवरीबॉडी, आपके क्या, आपकी क्या दोष है, लेकिन आपके खून में प्लास्टिक है, प्लास्टिक है तो कैंसर होगा, नौजवानी में बाल पकेंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, देयर आर सो मेनी थिंग्स अगेंस्ट यू, तो प्लास्टिक हमारा जल जंगल जमीन का, आप ओशन पे देखिएगा, ओशन में पूरी प्लास्टिक में, ओशन की जो दुनिया सब खत्म कर दिया, वहां से हमें बहुत चीजें मिलती थी, वहां सब गंदगी, ये कभी जाओ बीच पे, अभी मैं गोवा गया था, तो प्लास्टिक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, तो करना क्या है, पेड़ जियाओ, क्या, पानी बचाओ, और प्लास्टिक भगाओ, हटाओ नहीं, भगाओ, मारो चार जूता उसको प्लास्टिक, तो भाग के जाए यहां से, नहीं रहना चाहिए हमारी जिंदगी में, अब अगर आपको बहुत प्यार है तो बहुत जल्दी ऊपर जाओगे, प्लास्टिक ले जाएगा, प्लास्टिक का जिससे प्यार हुआ वो कहां जाएगा, ठीक, तो इसके लिए करना क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, तो हमने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया जनता को मोबिलाइज करके, ठीक है,
जनता अपने घर में रेन हार्वेस्टिंग पॉन्ड खोदने लगी, तालाब को ठीक करने लगी और ये बढ़ गया। और मैं आपको बताऊं कि ये मैं लेके आया हूँ, अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप लोग मुझे ये तो नहीं कहोगे ये गरीब आईएएस ने कहोगे नहीं कहोगे तो गरीब आईएएस पकड़ लाए मैडम कहा इनको है? मैं पिछले 10 साल से इसमें खाता हूँ, किसमें खाता हूँ और पिछले 10 साल से ये मेरा साथी है पानी पीने का, ये मेरी कटोरी है। बहुत लोग कह रहे होंगे क्योंकि हम नक्शेबाजी में विश्वास करते हैं, हम दिखावे में विश्वास करते हैं, हमारी दुनिया जो है आर्टिफिशियल हो गई है, ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन को लाग रखे हैं कि दिखाएं आपको ये मेरा, ये मेरे जिंदगी में 10 साल से प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट मेरी जिंदगी में 10 साल से नहीं है, ठीक है। और ये मेरा गिलास है, गरीब गिलास, ये मेरा चाय वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि ये आईएएस लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक करते हैं, आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा, मेरी ऑफिस में मैं जहां जाता हूं मेरा ये मेरे पास पूरे यूपी के 75 ऑफिस है प्लास्टिक फ्री ऑफिस, जितने कर्मचारी हैं कम से कम एक पौधा लगाएगा, जितना ऑक्सीजन लेता ऑफिस में उतना पैदा करेगा, प्लास्टिक फ्री ऑक्सीजन ऑफिस और रेन हार्वेस्टिंग वाटर, इस बहुत छोटा काम है और मैं इसको करता हूं और करवा रहा हूं। तो दोस्तों आज का जो विषय है और ये काम, पानी आपके लिए कोई लेके नहीं आएगा, ये गलत फहमी मत रहना, पौधा या ऑक्सीजन आपके लिए कोई लेके नहीं आएगा, प्लास्टिक पैदा